गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। क्या कह रहे हो? प्लेटिनम भी मेटल होता है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड और सिल्वर बताया। ठीक है, उसके बाद नोट करेंगे, द मेटल्स लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस द मेटल्स लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस द मेटल्स लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर। शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर। The metals lose their shine or brightness on keeping in air for a long time and acquire a dull appearance. For a long time and acquire a dull appearance. And acquire a dull appearance due to the formation of a thin layer of oxide. Due to the formation of a thin layer of oxide. Due to the formation of a thin layer of oxide, comma, carbonate or sulfide on their surface, comma, carbonate or sulfide on their surface, carbonate or sulfide on their surface. By the slow action of various gases present in air, by the slow action, by the slow action of various gases, by the slow action of various gases present in air. By the slow action of various gases present in air. तो क्या होता है कि मेटल्स की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उनमें ना एक चमक होती है, उस चमक की वजह से ही हम मेटल्स को पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी या फिर मेटलिक लस्टर, ये बोल देते हैं। और मेटल्स में ये चमक होती है, इसी वजह से हम गोल्ड को और सिल्वर को ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद एक ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें मैंने ये लास्ट आपको पॉइंट लिखवाया है। यहाँ पर क्या है कि जो मेटल्स है, मेटल्स को अगर हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही ओपन रख देते हैं तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, कुछ टाइम बाद में, उनकी जो चमक है वो धीरे 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 डल पड़ने लगती है। उनकी जो अपियरेंस है वो धीरे धीरे डल हो जाती है, वो उतनी चमकदार नहीं रहता। मेटल जो है वो उतना चमकदार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उस एयर में से, उस एयर में कार्बन भी होती है, सल्फर भी होती है, तो उन सब की वजह से
जो मेटल रिएक्ट करता है उन सबके साथ में, तो उसके ऊपर या तो एक कार्बोनेट की लेयर जम जाती है या ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और या फिर वहां पर हम ये कहते हैं कि एक सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो तीन तरीके की लेयर होती है, यहाँ पर ऑक्साइड लेयर, कार्बोनेट लेयर और सल्फाइड लेयर ऑन देयर सरफेस, इसकी वजह से उनका अपियरेंस जो है वो डल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि मेटल्स वैसे तो लस्ट्रस होते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मेटल्स की चमक है वो धीरे 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 फीकी पड़ जाती है, हल्की हो जाती है, समझ गए? तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो एटमोसफियर में एयर है, उस एयर में से कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट आयन अगर रिएक्ट कर जाता है या सल्फर रिएक्ट कर जाता है या ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो वो ऑक्साइड लेयर, कार्बोनेट लेयर या सल्फाइड लेयर बना देते हैं मेटल की सरफेस पर, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल मेटल नहीं रहते, उनकी चमक जो है वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है, डल हो जाती है। क्लियर है? हाँ, ये पांचवी प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। उसके बाद छठी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। सिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर सिक्स है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हार्डनेस है, इस हार्डनेस का मतलब क्या है। ठीक, हार्डनेस का मतलब हम तो ये देख लेते हैं कि कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए हम उसको दबा रहे हैं, ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कंप्रेस नहीं होती है तो हम उसको हार्ड बोल देते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन हार्डनेस की केमिस्ट्री के टर्म्स में एक डेफिनेशन अलग होती है कि अगर किसी चीज को हम नाइफ की हेल्प से काटने की कोशिश करें और अगर वो कट जाता है तो हम बोलते हैं कि वो सॉफ्ट है, अगर वो नहीं कटता है तो हम बोल देते हैं कि वो हार्ड है। ठीक है, हार्डनेस की डेफिनेशन केमिस्ट्री के टर्म्स में ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नाइफ की हेल्प से काटने की कोशिश करते हैं, अगर वो कट जाता है तो उसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट है, अगर वो नहीं कटता है दैट मीन्स कि वो हार्ड है। नोट करें, मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर वेरी हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर वेरी हार्ड, फुल स्टॉप, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। Only sodium and potassium are soft metals which can be easily cut with a knife. Only sodium and potassium, are soft metals
विच कैन बी कट विद अ नाइफ. ओनली सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ. तो ये सोडियम और पोटेशियम इसका एक्सेप्शन है. सातवीं फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, सेवंथ है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ब्रैकेट में लिखिएगा, एक्सेप्ट metals are strong except sodium and potassium. अब हमें तो सोचकर ये लगता है कि शायद स्ट्रांगनेस और हार्डनेस एक ही बात है, लेकिन स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत होना. तो उसकी केमिस्ट्री के टर्म्स में डेफिनेशन क्या है, स्ट्रांगनेस का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो वेट कैरी कर सके उसको मैं बोलूंगा स्ट्रांग है, और जो वेट कैरी ना कर सके उसको मैं बोलूंगा कि वो वीक है. दोबारा बताता हूँ, स्ट्रांगनेस का मतलब ये होता है कि एनी ऑब्जेक्ट विच कैन कैरी वेट, जो भी वजन उठा सके उसको मैं बोलूंगा कि वो स्ट्रांग है, जो वजन ना उठा सके उसको मैं बोलूंगा कि वो सॉफ्ट है. ठीक है, तो मेटल्स आर स्ट्रांग. तो हमें मालूम है कि जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं जिनसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं बहुत हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाए जाते हैं क्रेन्स की हेल्प से, तो वो जो पूरी पूरी मशीन होती है वो भी आयरन मेटल की बनी रहती है. ठीक है, उसके आगे जो वो बड़ा सा हुक लगा रहता है जिस हुक से हम चीजों को उठा लेते हैं तो वो भी आयरन का बना रहता है. ठीक है, क्या आप उसको किसी सॉफ्ट मटेरियल का बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना. आप उसको प्लास्टिक का बनाएंगे तो प्लास्टिक इलोंगेट होकर टूट जाएगी, वो वजन ही नहीं उठा पाएगी. तो हम ये कहते हैं कि जहां पर भी हमको स्ट्रांगनेस की जरूरत होती है यानी कि वेट उठाने की जरूरत होती है तो वहां पर मेटल्स जो है वो यूज होते हैं. और यहाँ पर भी जो इसका एक्सेप्शन है वो सोडियम और पोटेशियम है. सोडियम और पोटेशियम की हेल्प से अगर हम वजन उठाने की कोशिश भी करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो टूट जाते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं. नोट करेंगे, मेटल्स आर स्ट्रांग दैट इज दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स. मेटल्स आर स्ट्रांग दैट इज metals are strong that is they can hold large weights, they can hold metals are strong that is they can hold large weights without snapping, without स्नैपिंग. स्नैपिंग का मतलब होता है टूटना, विदाउट स्नैपिंग, ब्रैकेट में लिख दीजिए, विदाउट ब्रेकिंग. एग्जाम्पल, आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल. फॉर एग्जाम्पल, iron in the form of steel is very very strong metal. Iron in the form of steel is very very strong metal. Exceptions. Sodium and potassium. Sodium and potassium. Sodium और potassium से अगर हम ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, sodium और potassium टूट जाते हैं. ठीक है, ये weak metals होते हैं. एट्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर.
Metals are solids at room temperature except mercury, which is a liquid metal. Are solids at room temperature? ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड मेटल. ठीक है, इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं, बस इतना. नाइन्थ प्रॉपर्टी, metals have high melting points and boiling points. Metals have high melting points and boiling points except sodium and potassium. यहां पर भी जो exception है वो sodium और potassium है. Except metals have high melting points and boiling points except sodium and potassium. ठीक है, तो मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर. तो आप ये देखिए कि जो प्रॉपर्टीज हैं, अब तक छठी प्रॉपर्टी में सोडियम और पोटेशियम पंगा कर चुके हैं, सेवंथ प्रॉपर्टी में ये पंगा कर चुके हैं, अभी नाइन्थ प्रॉपर्टी में भी ये प्रॉब्लम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सोडियम और पोटेशियम याद रखना, ये अलग तरीके के मेटल है. ठीक है, ये हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं. तो यहां पर नोट करें, इसमें नोट करिएगा, आयरन मेटल हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस. बल्कि यहां पर सीधा सीधा पैसा लिखें, इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल, और इधर लिख लें मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कितने टेम्परेचर पर वो पिघलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो पहले मैं नोट करूंगा आयरन, आयरन का नोट करें 1535 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड नोट करें आयरन के बाद कॉपर, वन जीरो एट थ्री डिग्री सेल्सियस. आयरन कॉपर. थर्ड नोट करें सोडियम, नाइन्टी एट डिग्री सेल्सियस. और फोर्थ नोट करें पोटेशियम, 64 डिग्री सेल्सियस. तो अब आप ये देखिएगा कि कहां तो आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस, कहां कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस, और कहां सोडियम और पोटेशियम 98, 100 भी नहीं है, 64, ठीक है, 70 भी नहीं है. तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है. ठीक है, तो ये यहां पर भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है. हाँ, बड़े आराम से पिघल जाएंगे. अब देखो ना, 98 डिग्री सेल्सियस तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है. वाटर इवेपोरेट 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना,
तो 9800 से कम है या ज्यादा है? तो फिर हाँ, उसके बाद नोट करें 10th प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है सभी? यस सर। बाकी बच्चे बताएं। चलिए ठीक है। हाँ वो पिघल कर देखना कभी, है ना। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज ब्रैकेट में यहां पर भी वही, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है बेटा, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूं अभी। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कि कोई भी मेटल कितना घना है, कितना घना है, मतलब डेंसिटी का मतलब घना, घना घना समझते हैं, डेंस। या दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए कि कोई कितना हैवी है। जो हैवीनेस है वो भी डेंसिटी से ही आती है, कि कोई भी चीज कितनी हैवी है वो पता चलता है कि उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर भी जो है, ये सोडियम और पोटेशियम जो है ये अलग हटकर चलेंगे कुछ। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज बाय सेइंग दैट, नोट करें यहां पर, बाय सेइंग दैट By saying that metals have high densities, we mean that metals have high densities we mean that metals are heavy substances. We mean that metals are heavy substances. We mean that metals are heavy substances. Example, density of iron is 7.8 gram per centimeter cube. For example, density of iron सेवन पॉइंट एट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन हो गए आपके सोडियम। सोडियम की कितनी होती है? 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पोटेशियम का है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पोटेशियम का है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कहाँ तो आयरन की है डेंसिटी, देखिए 7.8, और कहाँ सोडियम और पोटेशियम की कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं है, इतनी कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये हमारी दो एक्सेप्शन है। ठीक, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी नोट करेंगे, मेटल्स आर सोनोरस।
प्रॉपर्टी नंबर 10 थी. प्रॉपर्टी नंबर 11, मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस में नोट करें, सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड. सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग Sonorous means capable of producing a deep or ringing sound. Capable of producing a deep or ringing sound. उसके बाद इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसनेस. और ब्रैकेट में लिखे सोनोरिटी, SONORITY. It is due to the property of sonorousness or sonority that metals are used for making bells. Metals are used for making bells and strings. Bells and strings of musical instruments like sitar and violin. तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको हम स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टन टन की आवाज आती है तो वो मेटल में ही आती है. ठीक है, तो अगर मेटल के हम बारीक बारीक वायर बना लें, यानी कि उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसको खींचते रहें और पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर वायर्स को जब हम फिंगर से प्लक करते हैं तो फिर वो जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और इसी वजह से उनको वायलिन में और सितार में यूज किया जाता है. ठीक है, वायलिन में और सितार में इसीलिए यूज करा जाता है उनको. तो मेटल्स आर सोनोरस. उसके बाद अगला नोट करें, इसकी 12th प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की इससे एक या दो कम है, पर जैसे हमने कितनी है, 10 है. हाँ, मतलब जैसे ये वाली करी है ना, तो इनसे मिलती जुलती है सारी प्रॉपर्टी. 12th प्रॉपर्टी नोट करेंगे, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर. Metals usually have a silver or metals usually have a silver or gray color. Bracket में mention कीजिएगा, except copper and gold.
metals usually have a silver or gray color except copper and gold. Copper और gold के अलावा ज्यादातर जो metals हैं उनका सबका silver color होता है या फिर gray color होता है. अगर आप देखें कभी भी कहीं पर कार में या स्कूटर में कहीं भी मेटेलिक पार्ट पर अगर डेंट पड़ जाता है ना, तो जब डेंट पड़ता है तो उसके अंदर से सिल्वर कलर का या ग्रे कलर का मेटल निकल कर आता है. ठीक है, बहुत देखें. चलिए जी, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक्सेप्शन है कॉपर और गोल्ड. तो कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन. और गोल्ड का कलर होता है येलो. गोल्ड का कलर होता है येलो. उसके बाद अगला नोट करें बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. पहला लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, फुल स्टॉप, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. तीन प्रॉपर्टी है क्या? एक ही प्रॉपर्टी है, मतलब नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल है, बस ये एक ही प्रॉपर्टी है. अब ब्रिटल का मतलब ही ये है कि अगर हम उस पर हैमर करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, शीट में कन्वर्ट नहीं होगा. ब्रिटल का मतलब ही ये है कि अगर हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे, उसको वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो भी वो टूट जाएगा. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो हमारे ब्रिटल हैं. अगली प्रॉपर्टी लिखें, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जो है वो हीट, ना तो हीट के कंडक्टर होते ना तो हीट कंडक्ट करते हैं वो, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो कंडक्टर नहीं होते. हाँ, एक्सेप्शन लिखेंगे, देयर इज वन एक्सेप्शन. देयर इज वन एक्सेप्शन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. Is the only non-metal which is a good conductor of electricity. In the form of graphite, is the only non-metal which is a good conductor of electricity. Which is a good conductor of electricity. उसके बाद थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस.
नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस नॉट शाइनी आर नॉट लस्ट्रस ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट शाइनी फुल स्टॉप दे आर डल दे आर डल इनमें चमक होती ही नहीं है डल अपीयरेंस होता है इनका लिखें देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन इसमें एक्सेप्शन होता है आयोडीन आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसके अंदर एक चमक है वो लस्ट्रस है फोर्थ है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट अब इसमें एक्सेप्ट डायमंड विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल एक्सेप्ट डायमंड विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल चार प्रॉपर्टी इसकी कर लीजिए आप आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही करेंगे ठीक ठीक है